दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा हमारे जो राजस्थान सरकार द्वारा 1,000 रुपये सभी के अकाउंट में डालने की जो बात कही गई थी, उन सब के जो है पेमेंट आने अकाउंट में स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों इसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि अकाउंट में पेमेंट आ गई है, उसका लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। लगभग सभी के अकाउंट में पेमेंट आई है और अभी मैं आपको इस वीडियो के मैं बताऊंगा कि किन के अकाउंट में ये पेमेंट आएगी और किन के अकाउंट में ये पेमेंट नहीं आएगी। और मान लो आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगी, उसका क्या कारण है और आपके अकाउंट में पेमेंट आने का क्या कारण है, किस प्रकार से ये आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको वो मैसेज दिखाने से पहले मैं आपसे करना चाहता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इस चैनल पर मैं ई मित्रा सीएससी और एजुकेशन से रिलेटेड आप सबके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने ये मैसेज है, इसमें लिखा हुआ है योर अकाउंट नंबर, आगे अकाउंट लिखा हुआ है इज क्रेडिट विथ 1000 ऑन 27 जुलाई 2020, अवेलेबल बैलेंस 1052। ये देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है ESC अथवा COVID-19 X क्राइटेरिया। तो दोस्तों एक्स क्राइटेरिया के अनुसार जिन जिन के पहले पेमेंट आई थी उसी के हिसाब से ये पेमेंट आ रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेमेंट किसकी आएगी, किस हिसाब से आएगी और किन की नहीं आएगी। दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मैसेज में दिखाया है कि जिनकी 1000 रुपये की किस्त आने वाली थी उनके अकाउंट में 1000 रुपये की किस्त आना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों जो किस्त आएगी वो मैंने मैसेज दिखा दिया है आपको, किस हिसाब से आपके पास ये मैसेज आएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बैंक में भीड़ ना कीजिए। आपके पास में जो ई मित्र वाले हैं या फिर बैंक BC वाले हैं तो आप उनके पास में जाइए और वहाँ से आपका बैलेंस चेक करवा सकते हैं और वहाँ से अगर मान लो निकलवाना चाहे तो निकलवा सकते हैं। बैंकों में अनावश्यक भीड़ ना करें। और अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो 1000 रुपये की किस्त आएगी, ये जो जन आधार कार्ड में मुख्य महिला है सिर्फ उसी के अकाउंट में आएगी। तो जन आधार कार्ड में मुख्य महिला है और जिनका मुख्य महिला का जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी बैंक का लगा हुआ है अकाउंट है, ये उसी बैंक अकाउंट में आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके मजदूर कार्ड बने हुए हैं उन्हीं की ये पेमेंट आएगी, ज़्यादातर उन्हीं की पेमेंट आ रही है। और अब मैं आपको बता देता हूँ जो जिनकी मान लो पीछे 2500 रुपये की किस्त आई थी, जिनका मान लो 1000 रुपये और 1500 रुपये की दो किस्तें आ चुकी है और जिन जिन अकाउंट में आई है ये उन्हीं के अकाउंट में दोबारा आएगी, उसी अकाउंट में दोबारा आएगी, ये उन्हीं के अकाउंट में आने वाली है। तो लगभग ज़्यादातर को पता ही होगा कि किन किन के अकाउंट में 2500 रुपये की किस्त आई है और किन के अकाउंट में 2500 वाली किस्त नहीं आई है, तो वो आपको पता ही होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं आपके भामाशाह कार्ड में या फिर जन आधार कार्ड में जो भी बैंक अकाउंट लगा हुआ है वो आप एक बार चेक करा लीजिए। अगर मान लो आपका बैंक अकाउंट सही लगा हुआ है तो आपके अकाउंट में भी ये किस्त आ सकती है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो किस्त आएगी वो और किसी के अकाउंट में नहीं आएगी। जो जन आधार कार्ड में मुख्य महिला या फिर पुरुष है, जन आधार कार्ड में जो मुख्य है सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट में आएगी, चाहे कोई भी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, ये सिर्फ उसी के अकाउंट में आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जन आधार कार्ड में जो हमारी 1000 रुपये की पेंशन आ रही है, जो 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है हमको, ये किनको नहीं मिलेगी। दोस्तों चाहे आपका मजदूर कार्ड बना हुआ हो चाहे ना बना हुआ हो, अगर मान लो आप एक पेंशनधारी है, चाहे आपकी कोई सी भी पेंशन आती हो, चाहे विधवा पेंशन आती हो, चाहे विकलांग पेंशन आती हो, चाहे वृद्धा पेंशन आती हो, चाहे कोई भी पेंशन आती हो XYZ, तो आपको 1000 रुपये की आर्थिक सहायता जो नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगर मान लो आप में कोई सरकारी कर्मचारी लगा हुआ है, आपके परिवार में से आपकी फैमिली में से कोई भी सरकारी कर्मचारी लगा हुआ है, तो आपकी इसकी आर्थिक सहायता है जो नहीं मिलेगी। अगर मान लो आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी लगा हुआ था और वो आदमी रिटायर हो चुका है तो भी आपको इसकी जो है आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ जिनके मजदूर कार्ड नहीं बने हुए हैं उनको भी ये आर्थिक सहायता नहीं मिलने वाली है, और जिनके मजदूर कार्ड नहीं बने हुए हैं उनको ये आर्थिक सहायता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कई बार मिल जाए आर्थिक सहायता, मान लो किसी ने अप्लाई किया हो और मजदूर कार्ड, जिनका मजदूर कार्ड मान लो बन गया हो और वो मजदूर कार्ड बनवा के घर पर न लाया हो, ई मित्र वाले के पास में बनकर बना पड़ा हो, तो ये उनके अकाउंट में आ सकती है। अब मैं आपको बता दूं आप एक अगर मान लो किसी का मजदूर कार्ड भी बना हुआ है और मजदूर कार्ड जो जन आधार कार्ड से लिंक भी है तो भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो इसका एक कारण है मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मान लो आपके बैंक अकाउंट सही है तो आपके अकाउंट में आएंगे। कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो SBI बैंक हो गया और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो गया, राजस्थान अमरुद ग्रामीण बैंक हो गया, इन सब बैंकों के IFC कोड हैं जो चेंज हो चुके हैं, ये बात सभी को पता है, इनके IFC कोड चेंज हो चुके हैं। ये जो बैंक का विलय हुआ था उसका सभी बैंकों के IFC कोड चेंज हुए हैं। अगर
अगर मान लो आपने टाइम पे आपके जन आधार कार्ड में जो आईएफएससी कोड चेंज नहीं करवाए हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा डाटा चक रहा है। जो जन आधार कार्ड में पूरा डाटा आया है वो पूरा का पूरा डाटा भामाशाह कार्ड से आया है। भामाशाह कार्ड में बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ थी, जो वो त्रुटियाँ गवर्नमेंट की अभी नज़र में नहीं आई है, वो पूरी की पूरी त्रुटियाँ जो है जन आधार कार्ड में आ चुकी है। तो इसमें बैंक अकाउंट वाले ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका अकाउंट नंबर सही नहीं लगा हुआ। अगर मान लो आपके अकाउंट नंबर में एक भी अक्षर का मिसमैच है तो भी आपको पता है कि अगर मान लो अकाउंट नंबर में एक भी अक्षर गलत है तो भी आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। अगर मान लो आपका आईएफएससी कोड गलत है तो भी नहीं आने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो आपका मजदूर कार्ड बना हुआ है, बैंक अकाउंट सही लगा हुआ है तो भी आपके नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है? दोस्तों उसका ये कारण है कि अगर मान लो आपका मजदूर कार्ड बना हुआ है फिर भी आपकी किस्त नहीं आ रही है, तो जो मजदूर कार्ड बना हुआ है वो आपका जन आधार कार्ड में लिंक नहीं है, इसलिए आपकी जो किस्त है वो नहीं आ रही है। जैसे मान लो किसी का मजदूर कार्ड, पहले मजदूर कार्ड शुरुआत में बनाते थे तो मजदूर कार्ड बन जाता था डायरेक्ट आधार नंबर से, और हमको जो आधार नंबर जन आधार कार्ड के भामाशाह कार्ड के नंबर हैं वो हमें मजदूर कार्ड में अपडेट नहीं करने पड़ते थे, वो डायरेक्ट मजदूर कार्ड बन जाता था। लेकिन हाल ही में जो है, जो मजदूर कार्ड हम बना रहे हैं तो मजदूर कार्ड में जो भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड नंबर है उसी से मजदूर कार्ड बन रहा है। अगर मान लो उसमें मजदूर कार्ड नंबर गलत लगा हुआ है, मजदूर जन आधार कार्ड में हमारा आधार नंबर गलत लगा हुआ है या फिर आधार नंबर का नाम गलत लगा हुआ है तो हमारा जो है जो मजदूर कार्ड नहीं बन रहा है। तो उसी प्रकार से अगर मान लो आपका जो जन मजदूर कार्ड है वो जन आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो आप ई मित्र वाले के पास में जाइए और आपका मजदूर कार्ड है जो आधार कार्ड में लिंक करवा लीजिए। अगर मान लो आपका बैंक अकाउंट गलत लगा हुआ है तो ई मित्र वाले के पास में जाके वो आप सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी जरा सी भी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।